नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर कटरा में दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी गुफा मंदिर के आधार शिविर कटरा में सोमवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण एक महिला पायलट और 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। एक निजी विमानन कंपनी का हेलीकॉप्टर सांझी 6 से तीर्थयात्रियों को लेकर त्रिकुटा पहाड़ियों की ओर जा रहा था, जहां वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। हेलीकॉप्टर कटरा में नए बस अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उधमपुर रियासी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेंद्र गुप्ता के मुताबिक इस हादसे में महिला पायलट सुमिता समेत 7 लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि पवित्र गुफा त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कटरा कस्बा जम्मू से 50 किलोमीटर दूर है। अच्छे दिनों की हकीकत परखने के लिए मोदी ग्रामीण इलाकों में जाएं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छे दिन का नारा देने वाले मोदी को विदेश यात्राओं से समय निकालकर ग्रामीण इलाकों में जाकर हकीकत से रूबरू होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अपने मिशन 2017 का आगाज करते हुए गांधी ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर सहारनपुर में आयोजित कांग्रेस की पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा कि मोदी विदेश के दौरे पर हैं और मैं खेतों में मजदूरों और किसानों से मिलने आया हूं। जिला मुख्यालय 14 किलोमीटर दूर पटनी में पदयात्रा के दौरान गांधी ने किसानों, मजदूरों और महिलाओं से सीधा संवाद किया। ऋण नहीं चुकाने वालों के खिलाफ बैंकों को पूरी स्वायत्तता, वित्त मंत्री जेटली ने कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ सरकारी बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्ति के बढ़ते स्तर के लिए जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों यानी विलफुल डिफॉल्टरों को जिम्मेदार बताते हुए सोमवार को कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बैंकों को पूर्ण स्वायत्तता है। जेटली ने राजधानी दिल्ली में सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद बताया कि एनपीए का स्तर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों से अपना एनपीए कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। जेटली ने कहा कि कुछ कर्जदार तो ऐसे हैं जिनके कारण एक नहीं कई बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। बारिश से प्रभावित तमिलनाडु को 939 करोड़ रुपए की मदद। केंद्र सरकार ने बारिश की तबाही झेल रहे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के लिए 939 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्र सरकार लगातार बारिश से उत्पन्न हुए बाढ़ के हालातों से नुकसान का जायजा लेने के लिए एक दल भी प्रभावित क्षेत्रों में भेज रही है। यह सहायता राशि तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर जारी की गई है। केंद्रीय दल की रिपोर्ट आने के बाद मदद की समीक्षा की जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।